ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये एक एरे है, इसको समझते हैं, इसके साथ क्या कर सकते हैं। इसी एरे के नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 37, 45, 68 एंड 89। इसी एरे को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 89, 68, 45, 37, 12, 10, 8, 6, 4 एंड 2। ये जो ऊपर वाली एरे है जिसमें पहले छोटे नंबर हैं बाद में बड़े नंबर हैं, इसको कहते हैं आरोही क्रम, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। और जो जो नीचे लिखा हुआ है उसको कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक एरे को इस तरह से कैसे काम बनाएं, प्रोग्राम कैसे लिखें कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए, तो इसको लिखने का पहले हम अपना नेचुरल मेथड देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो सॉर्टिंग जो डाटा है वो placing the data into a particular order such as ascending or descending is one of the most important computing application. मतलब जब हम computation करते हैं तो ये sorting है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त tool है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण tool है या महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम किसी array की sorting कर सकते हैं, उसको आरोही या अवरोही, ascending या descending order में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए एक पैटर्न देख रहे हैं, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे ये दो नंबर्स हैं 2 और 6, इनमें छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, छोटे को पहले रखते हैं बड़े को बाद में, इस तरह का हम चेंज करेंगे। तो 2 और 6 में पहले से ही छोटा पहले है बड़ा बाद में, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से आगे देखें, यदि 6 और 4 में देखा जाए तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें इनको स्वैप करना पड़ेगा, 4 को पहले और 6 को बाद में करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बचा हुआ एरे है उसमें अब 6 बाद में आ चुका है 4 के, तो अब नेक्स्ट जो सेट बन रहा है 2 एलिमेंट्स का हुआ है 6 और 8, इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 8 और 10 में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 10 और 12 में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 12 और 89 में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। 89 और 68 में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 89 पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा, तो पहले वाले को 68 को पहले और 89 को बाद में ले आते हैं। बाद में 89 और 45 में भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 89 बड़ा है 45 छोटा है, तो इनमें भी चेंज कर देते हैं। अभी इनको एक साथ लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, तो 89 अब लास्ट में बचता है 89 और 37, तो इनको भी स्वैप करना पड़ेगा और नंबर बन जाएगा 37 और 89। अब हम देखते हैं कि ये एरे जो है ये अभी भी ऑर्डर्ड नहीं है, इसमें सबसे पहले सबसे छोटा है, सबके लास्ट में सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ जैसे देखें 68 के बाद में 45 बाद में 37, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड एरे अभी नहीं है। तो इसमें क्या किया जाए, जो फिर से ऊपर नीचे क्रम में लिख लेते हैं और फिर से चेक करते हैं। तो 2, 4 कोई चेंज नहीं होगा, 4, 6 कोई चेंज नहीं होगा, 6, 8, 10 कोई चेंज नहीं होगा, 10, 12 कोई चेंज नहीं होगा, 12 और 68 कोई चेंज नहीं होगा, 68, 45 यहाँ चेंज होगा और इन दोनों को स्वाप करना पड़ेगा, 45, 68 लिख देंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इस तरह का जो स्वापिंग है इसके बारे में एक है कि जैसे कोई भी लिक्विड है और उसमें कोई बुलबुला होता है, कोई बबल होता है, वो नीचे से अपने आप ऊपर चला जाता है, मतलब जो भी हल्की चीज़ है वो ऊपर, जो भारी है वो नीचे। तो इस तरह की हम सक्सेसिव जो कंपेरिजन कर रहे हैं जिसमें बड़ी वैल्यू है वो नीचे जा रही है और छोटी वैल्यू है वो ऊपर जा रही है, और ये एक एक पोजीशन ऊपर जा रही है, इस तरह की स्वैपिंग हम यहाँ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वो आप देखते हैं 68 और 37, तो इसमें 68 नीचे आ जाएगा, 37 ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से 68 और 89 में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इस तरह से ऊपर से आते जाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा, 37 और 45 स्वाप हो जाएंगे और यहाँ पर हमें एक एरे मिलेगी जो एरे पूरी सॉर्टेड है, सबसे ऊपर सबसे छोटा, सबसे नीचे सबसे बड़ा अंक दर्ज लिखा हुआ है। तो ये जो टेक्निक है जिसमें हम एक एरे की सॉर्टिंग करते हैं, इस सॉर्टिंग या इसको इस तरह की सॉर्टिंग को इस तरह के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को हम बबल सॉर्टिंग या सिंकिंग सॉर्ट कहते हैं, बबल सॉर्ट या सिंकिंग सॉर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक बबल होता है, एक बुलबुला होता है, उसकी तरह
जो छोटा है वो अंक ऊपर की तरफ जा रहा है और जो बड़ा है वो नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे बुलबुला हल्का होने की वजह से पानी में वो ऊपर की तरफ जाता है, ओ या कोई हम सिंक उसमें रख दें तो, या कोई भारी पत्थर कुछ डाल दें तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। ये जो टेक्निक है वो कई स्तरों में हम पूरी कर लेते हैं। इसमें हर जगह हम एक पेयर लेते हैं, एक जोड़ा लेते हैं दो नंबर्स का, उनको कंपेयर करते हैं और इस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। यदि कोई वैल्यू दो सेम है तो उनमें उनका प्लेस चेंज करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैल्यू सेम है, इसलिए उससे वो वैल्यूज लगातार रह जाएंगे। इस तरह से ये जो फंक्शन है उसमें हम स्वाप कर करके और इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसा हम चाहें बना सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम क्या लिखेंगे? तो एक एरे है, उसके एलिमेंट्स को जैसे हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ए नॉट, ए ए ज़ीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरह से लिखेंगे। हम पहले वाले की बाद वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए आई, यदि ए आई प्लस वन से बड़ा है तो उनको स्वाप कर देना। स्वाप करने का तरीका है कि एक टेम्परेरी वेरिएबल या होल्ड, जिसको वैल्यू हम ऊपर वाले वेरिएबल को की वैल्यू असाइन कर देंगे और उस वेरिएबल को उससे आगे वाले वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देंगे और आगे वाले को जो भी होल्ड में वैल्यू रखी है वो असाइन कर देंगे। इस तरह से जो बबल सॉर्टिंग है इसका एक फायदा ये है कि इसके आप प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है। बबल सॉर्टिंग है वो बहुत स्लोली काम करता है, इसलिए ये बड़ी एरेज जो होती हैं, मतलब जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ये सही मेथड नहीं है। ये हम आगे समझेंगे किसी एग्जाम्पल से, क्योंकि बबल सॉर्टिंग किस तरह से सही मेथड नहीं है। अभी बबल सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम ले लेते हैं। इस प्रोग्राम में एक एरे लिया है साइज नाम से, जिसमें जो एरे के एग्जाम्पल में हम ले रहे थे वो एलिमेंट्स असाइन कर दिए। ए नाम की एक एरे है जिसकी साइज 10 है और उसमें सारे एलिमेंट्स लिख दिए। बाद में एक काउंटर वेरिएबल है पास, दूसरा काउंटर वेरिएबल आई, नेक्स्ट एक वेरिएबल लिया है होल्ड, उसके बाद में हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं ओरिजिनल एरे को, उसके बाद सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग के बाद में फिर जो सॉर्टेड एरे है असेंडिंग ऑर्डर में उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक एरे ली है जिसमें वही वैल्यूज ली हैं जो अभी एक एग्जांपल में ली थी। उसके बाद में एक काउंटर वे दो काउंटर वेरिएबल्स हैं पास एंड आई, एक होल्डिंग वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल, उसके बाद में एरे को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के लिए दो बार यहाँ एक लूप चला रहे हैं, क्योंकि हमने देखा एक बार एक लूप में पूरा एरे सॉर्टिंग नहीं होती है। तो इस तरह के लूप को हम जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार चलाएंगे और उस प्रोसेस को उतनी बार चलाएंगे। इस तरह से ये नेस्टेड फॉर लूप बन जाता है। उसके अंदर स्वैपिंग वाला पार्ट डाल देते हैं और यहाँ पर हमें सॉर्टेड एरे मिलती है जिसको हम लास्ट में प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और इसमें पहले जो ओरिजिनल एरे थी वो प्रिंट हुई है, उसके बाद में सॉर्टेड एरे प्रिंट हो चुकी है।